हजारों युवा स्वाभिमानी 4 अप्रैल को जाएंगे नागपुर। भाजपा प्रवेश पर सुनील राणा ने कहा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। पार्टी स्तर पर जमकर चल रही तैयारियां, सांसद राणा के भाजपा प्रवेश को लेकर संभ्रम। आगामी 4 मार्च को नागपुर में भाजपा की ओर से नमो युवा सम्मेलन आयोजित करने के साथ ही एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें एनडीए का घटक दल रहने वाले युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा भी शामिल होने वाली है। साथ ही सांसद नवनीत राणा के साथ ही अमरावती शहर व जिले से वास्ता रखने वाली युवा स्वाभिमान पार्टी के करीब 10 से 12 हज़ार कार्यकर्ता भी सोमवार 4 बजे को नागपुर जाने वाले हैं, जिसके लिए युवा स्वाभिमान पार्टी में इस समय जमकर तैयारियां चल रही है। इसके तहत जहां एक और सांसद नवनीत राणा महिलाओं को जुटाने हेतु और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह पर पार्टी की ओर से आयोजित महिला सम्मेलनों में हिस्सा ले रही है, वहीं दूसरी ओर विधायक रवि राणा शंकरनगर परिसर स्थित अपने आवास गंगा सावित्री पर पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक करते हुए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र का जिम्मा संभाल रहे हैं। इसके अलावा विधायक रवि राणा के भाई व युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा द्वारा पार्टी के घोंगड़े कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्य कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को नागपुर भेजे जाने हेतु किए जा रहे नियोजन की कमान संभाल रहे हैं, जिसके चलते युवा स्वाभिमान पार्टी ने इस समय अच्छी खासी गहमागहमी वाली स्थिति देखी जा सकती है। परंतु इन सभी के बीच फिलहाल यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या सांसद नवनीत राणा द्वारा आगामी 4 मार्च को नागपुर में होने जा रही इस बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया जाएगा। इस बारे में मंडल न्यूज द्वारा प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर विधायक रवि राणा किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते दिखाई दिए। वहीं उनके भाई सुनील राणा ने आज मंडल न्यूज द्वारा संपर्क किए जाने पर फिलहाल इस बात का कोई प्रोविजन नहीं ऐसी बात कही। नागपुर में 4 तारीख को नमो युवा महा सम्मेलन का आयोजन किया गया व माननीय जेपी नड्डा जी अध्यक्ष है, वो युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले। हम एनडीए घटक पक्ष के युवा स्वाभिमान पार्टी जो घटक पक्ष के सम्मिलित है, ये हम एनडीए के घटक पक्ष है, इसलिए हमको भी निमंत्रण मिला है और माननीय खासदार नवनीत जी राणा वो स्टेज शेयर करने वाले है, इसलिए हम इस युवा सम्मेलन में माननीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन सुनने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सम्मेलन में जा रहे हैं। अंदाजा आप युवा स्वाभिमान पार्टी के कितने लोग यहाँ से जाने वाले भैया? 12 से 15 हज़ार लोग वहाँ से जाने का हम लोग प्लानिंग। एक खबर ये भी चल रही है कि शायद इस नमो सम्मेलन में सांसद नवनीत राणा का भाजपा में प्रवेश भी हो सकता है, ऐसी खबर चल रही है, इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देंगे आप? इस बात में कोई ऐसी पुष्टि आप युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक हैं? अपन इस तरह का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हमको एनडीए घटक करके बुलाया गया है जी, इसलिए घटक पक्ष से करके हम जा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों से इस बारे में बात करने पर उनका कहना है कि फिलहाल उनके पास इस तरह की कोई जानकारी या सूचना नहीं है, तथा जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं यानी राणा परिवार की ओर से इस बारे में कोई निर्देश मिलेगा तो उस हिसाब से आगे का कदम उठाया जाएगा। देश के यशस्वी पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी साहब, गृह मंत्री अमित जी शाह साहब, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनके नेतृत्व में बीते 5 सालों से हम कार्यरत हैं। हम सहयोगी पक्ष के नाते उनके हर बात का समर्थन भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। नागपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की उपस्थिति में जो एक सम्मेलन होने वाला है, नमो युवा सम्मेलन, और घटक पक्षों की वहाँ पर बैठक है। एनडीए का घटक पक्ष के नाते युवा स्वाभिमान के प्रतिनिधि रूप में सांसद नवनीत जी राणा वहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। इसमें सांसद नवनीत राणा के भाजपा प्रवेश की भी कुछ संभावना बन रही है? देखिए, प्रवेश के बारे में बोलने का अधिकार फिलहाल मुझे तो नहीं है, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ। हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व जो निर्णय लेंगे वो निर्णय अंतिम रहेगा, और हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय विधायक रवि जी राणा, सांसद नवनीत जी राणा और भाजपा के वरिष्ठ स्तर पर जो भी चर्चा हुई है उसके अनुसार जो भी होगा वो आपके सामने जल्द आएगा। नागपुर जाने को लेके क्या तैयारी चल रही है? अभी हम 10,000 यहाँ से युवाओं को, युवतियों को हम यहाँ से लेके जाने वाले हैं, क्योंकि युवा युवती का सम्मेलन है। अमरावती लोकसभा क्षेत्र से ग्रामीण शहर दोनों मिला के 10,000 युवा युवती को लेके जाने की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, और 4 तारीख को सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे और नागपुर में हमारा काफिला एक साथ दाखिल होगा। हमारे नेते जो भी बोलेंगे हम उनके साथ हैं। अगर वो भाजपा में प्रवेश करते हैं तो आप लोग भी भाजपा में रहोगे? उनके साथ रहेंगे। युवा स्वाभिमान में रहोगे? नहीं, अब तो हमारा पक्ष है युवा स्वाभिमान। जो निर्णय ऊपर से हमारे आमदार और खासदार मैडम लेंगे उनके साथ हम रहेंगे। हमारे जो आदरणीय नेता है युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक रवि बहु राणा और आदरणीय खासदार नवनीत जी राणा, हमारा जो कार्यकर्ता का तो एक ही वसूल है कि
ये जो राणा दाम्पत्य जो बोलेंगे वो हम करेंगे, जो ये हाँ जो बांधेंगे वो तोरण के नीचे हम रहेंगे, जो ठहराएंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। हम जो जुड़े हुए हैं वो राणा दाम्पत्य के साथ जुड़े हुए हैं, और राणा दाम्पत्य जहाँ भी जाएंगे, भाजपा में भी जाएंगे या युवा स्वाभिमान पार्टी के पाना चिन्ह पर भी लड़ेंगे, तो हम युवा स्वाभिमान पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें।